अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण के लिए पूजा किए जाने वाले अक्षत कलश गुरुवार को भागलपुर लाया गया। इस दौरान भागलपुर की धरती पर अक्षत कलश के दर्शन को लेकर लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण अक्षत कलश के माध्यम से प्रत्येक घरों में निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें VHP के जिला उपाध्यक्ष और इस अभियान के जिला संयोजक अवधेश कुमार शर्मा एवं अभियान सदस्य महादेव शामिल है। वहीं भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के सदस्यों ने स्टेशन परिसर में अक्षत कलश का भव्य स्वागत कर पूजन किया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से प्रभु श्री राम, माता जानकी और राम भक्त हनुमान की झांकी निकाली गई। इस दौरान रथ पर सवार अक्षत कलश स्टेशन चौक से अग्रसेन चौक, भामाशाह चौक, खरमंचक समेत शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जहां लोगों ने इसके दर्शन पूजन किए। वहीं भ्रमण के बाद अक्षत कलश बूढ़ानाथ मंदिर परिसर पहुंचा, जहां हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। अक्षत कलश शोभा यात्रा में बाल मुकुंद गुप्ता, पारस शर्मा, सुरेंद्र कुमार, राणा प्रताप, आशीष आनंद, सूरज प्रताप, संतोष कुमार, रोहित पांडे समेत संघ से जुड़े विभिन्न संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता और राम भक्त शामिल थे। गुरुवार को भागलपुर जिले के 14 केंद्रों पर शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई। इसको लेकर बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 8,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। तय समय पर शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया, जिसको लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, CCTV कैमरे समेत कई तरह के इंतजाम किए गए, जबकि परीक्षा के दौरान सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, पेजर, व्हाइटनर और इरेजर रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान पहली से पांचवी कक्षा तक के सभी विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए। इधर शुक्रवार को भी जिले के 19 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के 8,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। एडिया की ओर से बिहार का 12वां राज्य स्तरीय डेंटल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर एडिया अंग प्रदेश की ओर से भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉल में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिया अंग प्रदेश के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पहली बार भागलपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन का स्टेट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिहार समेत देश के कई बड़े और अलग अलग शहरों से प्रसिद्ध दंत चिकित्सक शामिल होंगे। डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत शनिवार को होगी, जो रविवार को भी जारी रहेगा, जबकि इससे पूर्व शुक्रवार को प्री कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें देश के विभिन्न जगहों से आने वाले जाने माने डेंटल सर्जन और विशेषज्ञ भागलपुर और आसपास के दंत चिकित्सकों को डेंटल डिजीज के इलाज से संबंधित आधुनिक तकनीक से जुड़ी जानकारी देंगे। वहीं डॉक्टर सनातन कुमार ने बताया कि बिहार स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, मुंबई और पटना समेत देश के अलग अलग हिस्से से जाने माने दंत और मुख रोग से जुड़े चिकित्सक के अलावा बिहार के विभिन्न जिलों के डेंटिस्ट शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार से 2 दिनों तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस में दांतों के इलाज के लिए लेजर तकनीक के इस्तेमाल के साथ माइक्रोस्कोप, फेशियल एथेस्टिक और रूट कैनाल के इलाज एवं दंत प्रत्यारोपण से जुड़ी बातों पर सेशन आयोजित होगा, जिसके माध्यम से भागलपुर समेत पूरे बिहार के दंत चिकित्सक इलाज की आधुनिक तकनीक को जानकर इलाज कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान आईडी अंग प्रदेश का चुनाव भी होगा, जिसमें आगामी सत्र के लिए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि डेंटल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शनिवार को होगा, जिसमें भागलपुर के रेंज DIG विवेकानंद, सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, JLMCH के अधीक्षक और आईडी बिहार के कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मौके पर डॉक्टर एवली, डॉक्टर स्वप्निल, डॉक्टर शुभंकर सिंह, डॉक्टर SB शरण, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा और डॉक्टर संजय कुमार मौजूद रहे। इस बार 12th IDA बिहार स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस है, यानी पूरे राज्य का एक बार साल में एक बार होता है ये डेंटल कॉन्फ्रेंस, जो कि हर बार एक राज्य इसको ये करती है, ऑर्गेनाइज करती है। इस बार भागलपुर को मिला है जिम्मेदारी,
हम लोग इसको बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा अधिवेशन है ये, जिसमें कि बिहार राज्य के सारे डेंटिस्ट एक जगह एकत्रित होंगे, अलग अलग विभाग के। डेंटिस्ट्री में अलग अलग विभाग होता है, ओरल सर्जरी, एनोडोंशिया, ऑर्थोडोंशिया, इसके अलग अलग मास्टर्स आएंगे जो कि अपना नॉलेज शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, नए नए टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि हम अपने आप को पीरियोडिकली अपग्रेड करते आए हैं। इस बार भी अपग्रेड करेंगे, जो भी नया टेक्निक्स है, नया रिसर्चेज है, उसको वो यहाँ प्रेजेंट करेंगे। अपने कार्यशैली को सुधारने का ये बहुत अच्छा मौका मिलता है हर डॉक्टर को। 3 दिन का ये अधिवेशन है, 15 से ये शुरू होगा, 17 को ये ख़त्म होगा। 15 तारीख को वर्कशॉप है, वेन्यू हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। 15 तारीख को वर्कशॉप होगा, 16 और 17 को लेक्चर सेशन होगा। पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मौका मिलता है इसमें पार्टिसिपेट करने का, जिसमें कि वो अपने स्तर पे किया हुआ रिसर्च को वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अधिवेशन से आम लोगों को डायरेक्ट तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारे डॉक्टर्स के थ्रू उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनका ट्रीटमेंट का जो हमारी कार्यशैली है, जो ट्रीटमेंट का तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, उसमें चेंजेस आएगा। नया नया टेक्निक्स को हम अपने पेशेंट्स पर उपयोग कर सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल में बुधवार को 63 भूमिहीनों को वसवास पर्चा दिया गया। इस दौरान अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भागलपुर के शहरी क्षेत्र में वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले सभी 63 भूमिहीनों को वसवास जमीन का पर्चा दिया। ये सभी भूमिहीन पिछले कई वर्षों से वसवास जमीन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की पहल पर भूमि उपलब्ध कराया गया। बता दें कि सभी भूमिहीनों को जमनी पंचायत में जमीन एवं पिस्ता गांव में सरकारी जमीन का पर्चा दिया गया है। इस दौरान जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित कई अधिकारी राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में 63 पुरुष और महिला भूमिहीन लाभुकों को भूमि का पर्चा दिया गया। वहीं अंचल अधिकारी ने कहा कि बचे हुए भूमिहीनों को बाद में जमीन का वसवास पर्चा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों से भूमिहीन लोग इसकी मांग कर रहे थे, जबकि पर्चा मिलने के बाद भूमिहीनों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी लाभुक सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बेकार पागल है और कोई नहीं है इसको, बस वही बेचारा का संघर्ष है। आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन लोग को मिल जाए दो चार। एक ये है, एक मीरा देवी है। मीरा देवी कहाँ है? एक मीरा देवी है कि जो है सत्तू पत्तू बेचती है बेचारी, देखिए कैसे रो रहा है। पैसा घूस मांगा था जो कि नहीं देने के कारण इसका छाड़ दिया है। दो चार पाँच आदमी ऐसा है जिसको छाड़ दिया गया कर्मचारी। इसलिए हम लोग सीओ साहब से विनती करते हैं और कहते हैं कि सीओ साहब जिंदाबाद। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बिहार के भागलपुर में वार डांसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें डांस कर रही युवतियों के हाथ में देसी पिस्टल लहराता दिख रहा है। वीडियो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णानंद स्टेडियम में एक विवाह समारोह का बताया जा रहा है। दरअसल 12 दिसंबर को घुमक्कड़ जीवन जीने वाले कबीलाई समाज के करीब 21 जोड़ों की शादी करवाई गई थी, और देर शाम जब बारात गाजे बाजे के साथ पहुंची तो बारातियों के बैठते ही मंच पर वार डांसर को बुलाया गया, जहाँ हाथों में हथियार लहराते हुए बार डांसर और वहाँ मौजूद लोग अश्लील गानों पर डांस करते दिखे। बताया जा रहा है कि बारात पक्ष से कुछ लोग मंच पर पहुँचे और जेब से पिस्टल निकाल कर डांस कर रही लड़कियों के हाथों में थमा दिया, जिसके बाद डांस कर रही लड़की के साथ कई लोग भी वीडियो में झूमते दिखाई दे रहे हैं।